बाल संस्कार चालू करो, देखो फिर परोपकार होता है तो आनंद आएगा। बाल संस्कार कैसे चलाना, इतना पढ़ा लिखा तो कुछ तो करो ना, खाली जॉब जॉब जॉब। बच्चों को बिठाओ और बच्चों को सिखाओ, ओम 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 प्रभु, ओम 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 आनंद, ओम 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 विठल, ओम 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 पांडुरंगा, ओम 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 हरि ओम। सारी कमियां भगाने वाला है, पेट की तकलीफ को भगा देगा, दिमाग की कमजोरी को भगा देगा, बच्चों को सिखाओ। इसको बाद में देखेंगे, बच्चों को बिठाओ और बच्चों को सिखाओ, बेटे तुमको भगवान की शक्ति चाहिए, बोले हाँ, भगवान की खुशी चाहिए, बोले हाँ, भगवान तुमको मदद करे और तुम पास हो जाओ ऐसा चाहिए, बोले हाँ, पेट की तकलीफ भी चली जाए ऐसा चाहिए, बोले हाँ, लीवर की तकलीफ कभी नहीं हो ऐसा चाहिए, बोले हाँ, दिमाग अच्छा हो ऐसा चाहिए, बोले हाँ, तो मैं सिखाता हूँ, तुम सीखो। बच्चे बैठ जाओ, कारपेट पे बिछाओ, कारपेट पे बैठे, इससे ऊर्जा पैदा होगी, कारपेट नहीं होगा तो अर्थिंग मिलेगा, बच्चों को अर्थिंग ना मिले। कंबल पे बिठाओ, प्लास्टिक पे बिठाओ, कारपेट पे बिछाओ, अपने घर के दो तीन बच्चे, पड़ोस के 10-5 बच्चे, तुम कर सकते। बाल संस्कार कैसे चलाना, इतना पढ़ा लिखा तो कुछ तो करो ना, खाली जॉब जॉब जॉब, ऐसे सेवा करो, परोपकार करो तो फिर जॉब का बाप हो जाता है। जो अपने जीवन में परोपकार नहीं करता उसका विकास नहीं होता, जो अपना भला सोचता है उसका भला दब जाता है, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला बहुत होता है। चाहे इन मीन तीन पढ़े, दूसरे का भला सोचने से अपना भला बहुत होता है, अपना भला के लिए तो जॉब भी नहीं मिलती, घूम घूम के थक जाते। जो अपना भला सोचते हैं उसको जॉब भी नहीं मिलती जल्दी से, और जॉब मिलती है तो बदली नहीं होती, बदली होती तो प्रमोशन नहीं होता और सब कुछ फिर ऐसे ही। जो अपना भला सोचते वो ऐसे ही, बस अब आरती करना बाकी रह गया, पुजारी बनो, जुग जुग जियो बेटा। अब खुद तो मर जाएगा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो खाया। बाल संस्कार चालू करो, देखो फिर परोपकार होता है तो आनंद आएगा। रिटायरमेंट हो जाए तो अपने बच्चे पोते नहीं संभाले, सबके बच्चों को, नहीं तो हाँ 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 दादा दादी नको ऐसा कर। बाल संस्कार चालू करो, दादा दादी बच्चों को सिखाओ। बाल संस्कार कैसे चलाना पुस्तक है, ले जाना, घर में बरामदा होगा, जगह होगा, कारपेट बारपेट बिछा दिया, कभी कभी प्रसादी के बहाने बच्चे को बुलाया, कथा वार्ता सुनाई, DVD सुनाई, ये दिखाया वो दिखाया, फिर बच्चों को सिखाओ। सीधे बैठो बेटे, दावे नाक से श्वास लो और उसमें ओम भरो, मन में जपो ओम ओम ओम, अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। उजवे नाक से छोड़ दो, अब उजवे से भरो ओम, मन में जपो, दावे से छोड़ दो, ऐसा 10-5 बार कराया, फिर दोनों नाक से श्वास लो, लो लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, याद शक्ति बढ़ेगी और महान आत्मा बनोगे, ऐसा करना मेरे साथ, आगे पीछे नहीं। हाँ एक बार हो गया ना, दो बार करना है बस, पैसे लो श्वास। साथ में करो, जंगली जैसा नहीं, दो बार ऐसा करना, याद शक्ति बढ़ेगी और फिर तुम्हारे जीवन में आनंद आना चाहिए ना, याद शक्ति बढ़ना चाहिए, तो एक सिखाता हूँ, करोगे, बच्चों को उत्साहित करो। रामू करेगा,
वापस करेगा? आंटी करेगी? आंटे करोगे तुम? कान में उंगली डालो और गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, श्वास रोको, ओम मंत्र का जप करूंगा, ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है, इसके ऋषि हैं भगवान नारायण और देवता भगवान अंतर्यामी है, छंद गायत्री है, मैं ये जप करता हूँ करती हूँ। फिर से श्वास लो, होठ बंद, कंठ से जप करना, आनंद आनंद आएगा, बच्चे अच्छे बन जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। रामू कर रहा है ना, कान में से उंगली नहीं निकालना, कान में उंगली डाले रखो, जल्दी बूढ़ा नहीं बनो। फिर से श्वास लो, गहरा श्वास, घट अकुल कर, अकुल काबर करो, वापिस सब करो। तीसरी बार, कान में से उंगली नहीं निकालना, नहीं तो नपास। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते तो माँ बाप को भी आनंद आता है, बच्चे भी आनंदित होते, ऐसे अंतर्यामी भगवान से मस्ती करना है। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखना, ईश्वर के साथ मस्ती करना है, ईश्वर आप ले जाए ना। चौथी बार, भगवान प्रसन्न होंगे, तुमको हंसी आएगी, हृदय पवित्र होगा, याद शक्ति बढ़ेगी, पेट की बीमारियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी। अरे भगवान राजी हो गए तो क्या बाकी रहता है, अभी भगवान राजी हो रहे हैं। गहरा श्वास, चौथी बार, वार करिए टोपी वाले। पांचवी बार, गहरा श्वास, वारकरी वाले चांगले लगते वाले थे, चांगले चांगले मूल गए। छठी बार, गहरा श्वास, आनंद आएगा, हंसी आएगी, गुरु पूनम का महापुण्य हो रहा है, बाल संस्कार चालू करना करना, बस दूसरों को भी करवाना, रिटायर लाइफ के लिए और बिजी लाइफ के लिए, दोनों के लिए है, ऐसा नहीं मुलगा का मुलगा को संभालते संभालते। हाँ हाँ नको, भगवान अपने न मस्ती करते। सातवीं बार, गहरा श्वास, जितना गहरा श्वास ले सको, गहरा श्वास लेने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति बढ़ती है, गहरा श्वास और ओमकार मंत्र, अंतर्यामी प्रभु का नाम है, हम उनको अपना अपने को उनका मानते, मस्ती करते भगवान से, भगवान खुश हो रहे, भगवान खुश हो रहे तो हमें भी प्रसन्नता मिलती, हंसी आ रही, अकुल काबर वट वापिस। वापस करो। आठवीं बार, गहरा श्वास, ऐसी आती आनंद, ये तो भगवान प्रसन्न आए, गुदगुदी होती।
नौवीं वार एक अच्छी बात करे अच्छी उंडा श्वास गिनने जो एक रख खड़े जो बापू जी कृपा गिनने जी गिनने चेतन मजा आ रहा है दस गहरा श्वास आखिरी श्वास दस बस जितना गहरा और गहरा बड़ी गिनने जो अरे साह गिनने जो वापस गहरा लो और गहरा आणु बतो खणंदो देखो मुझे तो नालो वठन अरे लखना लत थई वापस उबती खोपड़ी में ना रब उस तो मत खसे भाई हेडे सत्संग में मुझे याद था कन मां केडो भागवार ये न खणंदो मुझे ला हिए चयो मुझे ला हो जे करो मु थे तुजो वापस करो मु गहरा श्वास वापस गहरा लो आनंद आता है हंसी आ रही चुपचाप बैठो ओम आनंद ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 इधर ओमकार को देखो बुद्धि बढ़ेगी नाभि में ओमकार को देखो आरोग्य बढ़ेगा गुरु को देखो गुरु का ज्ञान से कांटेक्ट हो जाएगा।